hello students, how are you all? i hope you all are fine. just we are going to begin with the poem, poem number 11, that is for annie gregory from class 10th. okay, uh, book first flight. so let's begin with the poem. this is composed by william butler yeats, who was the most famous poet from the ireland. okay, just we will know uh, something about him. he was born in 1865 and died in 1935. belongs to ireland. and he completed his education in london.

ओके हनी कलर्ड रैंपर्स कानों के पीछे से जो जो बाल जा रहे हैं उनके लिए बोला है यहां पे पोइट ने कि हनी कलर्ड रैंपर्स जो हैं वो बहुत हमारे सुंदर हैं तो इस, इस पोएम का जो फर्स्ट स्टैंडा फर्स्ट एंड थर्ड स्टैंज़ा ये दोनों ही जो स्टैंडा है दो आ, जिसको कहो स्पीचेज ऑफ सेंग्स ऑफ दोइ की जो से पोइट का कहना है या हम ये कह सकते हैं कि जो पोइट है वो इस लेडी एनी ग्रेगरी को बोल रहे हैं अपने वर्ड्स को बोल रहे हैं जो वो बोलना चाहते हैं और वो क्या वर्ड्स बोलना चाहते हैं लेट सी अगेन ही वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज थ्रू दिस पोएम टू एनी ग्रेगरी और वी ऑल द रीडर्स दैट वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड

किसी एक क्वेश्चन के लिए ना सिर्फ थीम के लिए बल्कि इस पोएम से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए ये जो uh, मैंने मैसेज लिखा है पोइट का ये पूरा मैसेज बहुत ज्यादा नेसेसरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी क्वेश्चन दोज विल टेक प्लेस रिलेटेड टू दिस पोएम इन योर एग्जामिनेशन ओके जो भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन uh, आएंगे वहां पे इन लाइंस को लिखना आपके लिए बहुत नेसेसरी है देखिए द लेडी इज वेरी ब्यूटीफुल दैट्स वाई व्हाट द पोइट सेज लेसन इन द नेक्स्ट स्टैंडा और ये जो जैसा मैंने आपको बोला कि फर्स्ट स्टेंजर और थर्ड स्टेंजर जो है उसमें कवि विलियम बटलर येट्स अपनी बातों को बोल रहे हैं एनी ग्रेगरी को और जो सेकंड स्टेंजर है उसमें ये जो लड़की है एनी ग्रेगरी ये अपनी बात को कन्वे कर रही है विलियम बटलर येट्स को सो लेट्स मूव फर्दर व्हाट इज दिस स्टैंडर लेट्स नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इन टू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड लर्ड एट योर ईयर लव

जो तुम्हारे हनी कलर्ड रैम्पर्ड्स हैं कानों के पास में जो लटे निकली हुई हैं उनसे एंड नॉट योर येलो हेयर वो उस कंडीशन में परेशान नहीं होगा उस कंडीशन में डेस्पेयर नहीं होगा निराश नहीं होगा जब वो सिर्फ लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करे या तुम्हारी इनर ब्यूटी को प्यार करे एंड नॉट योर येलो हेयर एंड बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स आल्सो कि ना तो वो तुम्हारे इन ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स को प्यार करे और ना ही तुम्हारे येलो हेयर को वो सिर्फ किसको करे तुम्हारी इनर ब्यूटीज को करे तो वो कभी भी डेस्पेयर नहीं होगा कभी भी निराश नहीं होगा वंस मोर लिसन दिस नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इंटू डेस्पेयर यानी कि कोई भी यंग मैन कभी भी निराश नहीं होगा अगर वो क्या करे लव यू फॉर योर सेल्फ अ वो तुम्हें सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी इनर ब्यूटीज को प्यार करे किसको ना करे ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ड एट योर ईयर एंड नॉट योर येलो हेयर ना तो तुम्हारे सिर्फ येलो हेयर को करे और ना ही सिर्फ हनी कलर्ड रैम्पर्स को करें उन लटों को करें जो कानों के पास में लटकी हुई हैं तो इस तरीके से जो जो कोई भी यंग मैन है वो कभी परेशान नहीं होगा अगर वो इनर ब्यूटी को प्यार करेगा क्यों अब क्यों नहीं होगा परेशान वो देख लीजिए क्योंकि जो इनर ब्यूटी है क्या इनर ब्यूटी इट रिमेन्स टिल द एंड इट रिमेन्स टिल द एंड ऑफ वंस यानी कि हर किसी के एंड तक उसकी डेथ तक जो इनर ब्यूटी है वो रहती है लेकिन जो फिजिकल ब्यूटी है फिजिकल अपीरियंस है वो टाइम के साथ में क्या हो जाता है खत्म हो जाता है इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि वो यंग मैन कभी भी निराश नहीं होंगे अगर वो तुमसे प्यार करें ना कि तुम्हारे इन ब्यूटीफुल येलो हेयर से प्यार करें तो एक बार यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोग देख भी लीजिए Uh, in the above lines, the poet says about the conversation between the young man. No, okay, this is the conversation between the poet and the young lady. And uh, what the poet says that the lovers of Annie Gregory will never be thrown into despair. What is the name of this girl? Annie Gregory. So, her lovers will never be thrown despair. Nahi honge, nahi honge, if they love her personal qualities, not her grey honey-coloured ramparts at her ear and her beautiful golden hair. तो क्रिटिकल कमेंट क्या है इस पोएम का इस स्टेंजा का वो ये है कि जनरली पीपल लव अदर फॉर देयर फिजिकल अपीरियंस नॉट फॉर देयर इनर क्वालिटीज़ होता क्या है कि लोग आजकल जनरली पीपल क्या करते हैं फिजिकल अपीरियंस को कोई अच्छा दिखता है या दिखती है तो उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ को प्यार करते हैं ना कि उसकी इनर क्वालिटीज़ को लेट्स मूव फर्दर टुआस द नेक्स्ट स्टेंजा अब पोइट ने इसको इतना कहा कि इसको एनी ग्रेगरी को तो अब एनी ग्रेगरी का जो रेस्पॉन्स है पोइट के लिए वो क्या है वो वो भी देख लेते हैं हम लोग वॉट सी सेन नॉट बट आई कैन गेट अ हेयर डाई अब वो क्या कहती है कि हाँ हो सकता है कभी को बोलती है कि अगर आपकी बात आपकी बात सही भी हो सकती है तो मैं उसके लिए क्या करूंगी आई कैन गेट अ हेयर डाई मैं अपने वालों को हेयर डाई कर लूंगी डाई कर लूंगी एंड सेट सच कलर देयर और ये वाले कलर्स मैं अपने बालों पे लगा लूँगी कौन से कलर ब्राउन ब्लैक और कैरेट ब्राउन कलर ब्लैक कलर या फिर कैरेट कलर मैं अपने बालों पे डाय कर लूंगी एंड दैट यंग मैन इन डेस्पेयर और वो यंग मैन जो कि मेरे बालों को जो मेरी ब्यूटी से इनर ब्यूटी से प्यार करेगा वो निराश नहीं होगा मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन और फिर वो सिर्फ मुझे ही प्यार करेगा क्योंकि उसके उसको मेरे गोल्डन या फिर हम लोग ये कहें कि हनी कलर्ड हेयर नहीं दिखेंगे क्योंकि मैं मेरे हेयर बालों को हेयर डाई कर लूँगी और उसके बाद सिर्फ वो मुझे ही प्यार करेगा एंड नॉट माय येलो हेयर मेरे येलो हेयर को नहीं तो इसका जो क्रिटिकल एक तरीके से क्रिटिकल कमेंट है वो ये है कि जो लेडी है एनी ग्रेगरी ये भी क्या चाहती है कि दैट पीपल लव हर इनर ब्यूटी इनर क्वालिटीज को प्यार करें नॉट हर लॉन्ग और येलो हेयर आगे चलते हैं दिस इज द नेक्स्ट और दर्ड स्टैंडर वॉट द पोइट सेज टू दिस गर्ल्ड आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर दैट आई हैड प्रूव दैट ही हैड प्रूव ही हैड फाउंड अ टेक्स टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डेयर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अ लोन एंड नॉट योअर येलो हेयर वॉट ही सेज ही सेज दैट

कौन कहता है कवि विलियम बटलर येट्स डब्ल्यू बी एड्स जो है वो उस लेडी को बोलते हैं एनी ग्रेगरी को कि कल मुझे या कल मेरी मुलाकात एक रिलीजियस मैन से हुई थी जिसने डिक्लेयर किया है कि उसको एक ऐसा टेक्स्ट मिला है एक ऐसी किताब मिली है जो ये प्रूव करती है कि सिर्फ भगवान ही है इस दुनिया में जो कि आपको आपके लिए प्यार करेगा यानी कि आपकी इनर ब्यूटीज को प्यार करेगा एंड नॉट योर येलो हेयर आपके येलो हेयर गोल्डन हेयर ब्राउन हेयर ब्लैक हेयर मतलब फिजिकल अपीरियंस को नहीं करेगा सिर्फ आपकी इनर ब्यूटीज को प्यार करेगा वो ऐसा सिर्फ गॉड है सिर्फ भगवान है लेट्स मूव फर्दर एंड टेक हैव अ लुक ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम द पोइट दैट लास्ट नाइट ही ही हियर्ड अ रिलीजियस मैन डिक्लेयरिंग दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव समथिंग अकॉर्डिंग टू इट ओनली गॉड कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर क्रिटिकल कमेंट इसका ये है और इस पोइट पोएम का मेन जो थीम कहें और जो मैसेज कहें वो भी सिर्फ ये है कि इट इज़ ओनली गॉड हु लव्ज मैन फॉर देयर इनर क्वालिटीज इस मॉडर्न वर्ल्ड में संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपकी इनर क्वालिटीज को प्यार करे सिवाय गॉड के सो दैट वॉज द मैसेज द पोइट वॉन्ट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम यही मैसेज था कि जो फिज़िकल अपीरियंस या फिज़िकल ब्यूटी है इट डाई एज द टाइम पास्ट ये ख़त्म हो जाती है जब uh, जैसे जैसे टाइम निकलता है बिकॉज टाइम एंड एज वेट फॉर नन वो किसी के लिए इंतजार नहीं करते वो कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं रुकते नहीं है ना तो उम्र रुकती है और ना ही टाइम रुकता है टाइम के साथ उम्र बढ़ती रहती है लेकिन जो इनर क्वालिटीज़ हैं इंसान की वो उसके अंदर हमेशा रहती हैं जन्म से लेके और जब तक वो मरता है तब तक सो दिस वे वी कम्प्लीटेड दिस पोएम आई होप यू एंजॉय इट थैंक यू